कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद देश भर में बलात्कारियों के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही मांग है कि सख्त से सख्त कानून आए और जल्द से जल्द इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी की सजा हो। इसी क्रम में बंगाल की ममता सरकार आज की विधानसभा सत्र के पहले दिन में एंटी रेप बिल लाने जा रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एंटी रेप बिल क्या है। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि एंटी रेप बिल आखिर क्या है। इस बिल में पॉक्सो, आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में रेप और सेक्सुअल क्राइम से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का प्रावधान है। विधेयक की नई रूपरेखा के मुताबिक अगर रेप या यौन उत्पीड़न के कारण किसी की मौत हो जाती है या उसकी हालत गंभीर हो जाती है तो दोषी को मौत की सजा दी जाएगी। नए एंटी रेप बिल में प्रावधान किया है कि रेप या गैंग रेप करने वाले दोषियों को पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। बंगाल में क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2024 को अपराजिता महिला और बाल विधेयक के नाम से जाना जाएगा। बंगाल विधानसभा में पेश होने वाले इस एंटी रेप बिल के अनुसार बलात्कार करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान शामिल किया गया है। सजा के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में ये भी प्रावधान डाला गया है कि बलात्कार के मामलों की जांच की शुरुआती रिपोर्ट 21 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अभी तक इस जांच के लिए 2 महीने का समय दिया जाता था। अगर केस दर्ज होने की तारीख से 21 दिनों के अंदर किसी कारणवश जांच पूरी नहीं होती है तो पुलिस अधिकारियों या सीनियर अफसर के आदेश के बाद सिर्फ 15 दिनों के लिए ही इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। जांच अधिकारी समय सीमा बढ़ाने के कारण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 192 के तहत बनाई गई केस डायरी में दर्ज करना होगा, यानी कि कुल मिलाकर जांच के लिए ज्यादा से ज्यादा 21 से बढ़कर 15 दिन और मिलाकर 36 दिनों का समय दिया जा सकेगा। इस समय सीमा के अंदर पहली जांच रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। नए कानून में रेप के मामलों में जल्द से जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। विधेयक इस रूपरेखा में ये भी बताया गया है कि रेप के मामलों की जांच के लिए विशेष टीम और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी जांच के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स भी बनाए जाएंगे जिसे डीजीपी के अधिकारी लीड कर सकेंगे। इस फोर्स में अनुभवी पुलिसकर्मी और तकनीकी तौर से सक्षम कर्मचारियों को ही शामिल किया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को जांच के दौरान बार बार मानसिक प्रताड़ना से बचाया जा सके। वहीं इस बिल में ये भी शामिल किया गया है कि अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में टास्क फोर्स एक्शन लेगी। रेप के साथ ही एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है, इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी जिसमें उन्हें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपराजिता बिल कानून बन सकता है। इसके लिए अपराजिता विधेयक को पारित होने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। विधानसभा में अपराजिता बिल पारित होने के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलनी जरूरी है और अगर इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून के रूप में हमारे सामने होगा। बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी सरकार को 294 में से 223 विधायकों का समर्थन है, इसलिए इस बिल के पारित होने में मुश्किल नहीं है। हालांकि भाजपा विधायकों ने सोमवार को ये संकेत नहीं दिया था कि वो बिल का समर्थन करेंगे या वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहेंगे। इस विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की मंजूरी की जरूरत होगी। ऐसे कई उदाहरण है जिससे ये पता चलता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। साल 2019 में आंध्र प्रदेश में दिशा विधेयक और साल 2020 में महाराष्ट्र शक्ति विधेयक में सभी रेप और गैंगरेप के मामलों के लिए सिर्फ एक ही सजा यानी कि मौत का प्रावधान था। दोनों को राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था लेकिन आज तक किसी को भी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली।
इससे पता चलता है कि इसका कानून बनना कितना मुश्किल भरा हो सकता है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मैं मीनाक्षी, कैमरा पर्सन महक के साथ। आपको कैसी लगी ये जानकारी नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा।